साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की एक कॉलोनी की तस्वीर ऐसी भी है जहां लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। जबकि 5 महीने पहले भीमगढ़ खेड़ी पार्ट 3 के निवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वजह थी विधायक ने कॉलोनी में सीवर लाइन डालने और सड़क निर्माण का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया था। कॉलोनी वासी इस बात से खुश थे कि अब उनके भी दिन बदलेंगे, उन्हें भी साइबर सिटी की अन्य कॉलोनियों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन उनकी खुशी कुछ ही समय में काफुर हो गई। न खुदा मिला न विसाले सनम, यानी लोग न इधर के रहे और न उधर के। सब स्थानीय लोगों को भयानक गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। सर यहाँ पे समस्या ही समस्या है। हम सोच रहे स्कूल खुलने तक शायद यहाँ पे सुधार हो जाए, पर नहीं, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे सुधार होना। इतना टाइम हो गया, फरवरी में ये शुरू हुआ था, अब तक भी यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अभी बारिश आ जाए अभी पानी भर जाएगा। और हम तो ये चाहते हैं जल्द से जल्द हमारे बच्चों के स्कूल अच्छे से खुल गए हैं, तो कम से कम यहाँ पे तो हम इतनी दूर छोड़ने जाते हैं बच्चे को स्कूल के लिए, तो हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर बच्चों का कोई सोल्यूशन नहीं है तो हमारा भी यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल नरक में जी रहे हैं, बिल्कुल गंदगी से बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, मतलब सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये गंद आज से नहीं है, 4 महीने तो इस गली को ऐसे ही हो गए हैं, बिल्कुल मतलब रहना बिल्कुल ही दूभर हो रहा है। कितनी कंप्लेंट कर दी, कितने एसडीओ के, कितने जेई के, सब के चक्कर काट लिए, कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं, ना तो उन्हें मिलता ना हमें मिलता। फ़ोन करते हैं डेली, पार्षद को भी शिकायत की है। हाँ जी बिल्कुल शिकायत पार्षद से, पार्षद के पास तो डेली फ़ोन जाते हैं, डेली फ़ोन जाते हैं उनके पास। इनफैक्ट यहाँ की लेडीज़ इकट्ठी होकर हम सारे जाते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं सुनता, बिल्कुल भी कोई सुनवाई है ही नहीं किसी चीज की। इन लोगों के गुस्से और नाराजगी की वजह 5 महीने पहले शुरू हुई सीवर लाइन का काम अब तक न पूरा होना है। ऊपर से ठेकेदार ने सड़क पर मलबा डाल दिया है, जिससे लोगों का गली में निकलना भी दुश्वार हो गया। ना तो कोई व्हीकल जा सकता है और ना ही कोई व्हीकल गली में आ सकता है। भीमगढ़ खेड़ी पार्ट 3 के निवासियों की माने तो अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जब स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? सड़क पर पड़ा ये मलबा लोगों के जी का जंजाल बन गया है। निगम अधिकारियों से लेकर पार्षद तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने CM साहब को, अपने दुष्यंत डिप्टी CM साहब को और कमिश्नर साहब को अवगत करा देना चाहता हूँ। काफ़ी समय से 5 महीने हो गए इस कार्य को होते हुए, अपने नगर MLA साहब है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन करने के बाद काफ़ी टाइम से, पहले तो बहुत कीचड़ था, सांस भी नहीं लिया जा रहा था, और भगवान ना करे अगर अब बारिश हो जाती है ना तो इतना बुरा हाल हो जाएगा, बच्चे क्या कोई भी नहीं निकल सकते, 4-4 फुट नीचे पानी चले जाएगा। ये 4-4 फुट है, ये गहरा है यहाँ पे, और 4-4 फुट पानी भर जाएगा क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जो ये पत्थर डाले हुए हैं, इतने पत्थर डाल गए, इनके निकम्मे ठेकेदार हैं, बार बार कहने पर भी ना तो वो सुनता है। कम हमने तो एक्शन साहब से भी शिकायत की, इसकी SDO साहब से भी, JE साहब से भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार बार कहने के बाद भी पार्षद तो इसको अनदेखा कर रहा है। पार्षद के पास जब खबर जाती है तो कह देता भी हमने तो इस खेड़ी वालों को वोट दी नहीं, तो वो तो इस तरह इग्नोर करने लग रहा है इस एरिए को कि भैया आगे से इसने आना ही नहीं इधर। तो मैं अपने MLA साहब को कहना देना चाहता हूँ, साहब आप अपने संज्ञान में लेकर इस कार्य को करवाए, और कमिश्नर साहब को कह देना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब इसको जल्दी से जल्दी करवाए, ऐसा ना हो कि ये भीड़ जो है इनका ऊपर सिर से ऊपर पानी चला गया, उग्र हो जाए और निगम को घेरने का कार्य करे। तो हम तो खुद चाहते हैं प्यार से, और अपनी चाहते कि ये कार्य हो जाए, हमारी कोई इच्छा नहीं निगम को घेरना ना इनको इतना, लेकिन जब इतनी सिर से ऊपर पानी चला जाएगा तो इसमें अपनी गलती नहीं है। लोग बाग बहुत तरह उग्र होने लग रही है। सड़क निर्माण के लिए डाले गए मलबे को लेकर कॉलोनी वासियों में रोष बढ़ता जा रहा है। कॉलोनी वासियों की माने तो अगर 2 दिन में सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे और नगर निगम का घेराव कर अपनी व्यथा को रखेंगे। गुरुग्राम से नवदीप टुडे के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज़।